अम्मा दवाई खाओ। अरे यार कितनी बार दवाई खिलाई, ला दे। अम्मा सारे बच्चे आए गए, मलाई का ऋतिक ना आया अभी तक। हम कह रहे हैं कि ये लौंडा बिल्कुल ही बिगड़ गया है, जाके कान टेट करके रख। अरे अम्मा आए तब तो कान खींचे भागे। अम्मा मलाइका आ गई। मलाइका आ गई और जे लौंडा किधर रह गया है? क्या ऋतिक कहाँ है? हाँ मैं ट्यूशन से आ रही हूँ, मम्मी हमारे साथ नया थारा लड़ला। अरे तो फिर किधर रह गया जे लौंडा? चमचे रणबीर के बोल रहे हैं। वे तो बोल रहे हैं मम्मी हमें कछु पता ही ना है। तो उनको ना पता है तो फिर किसके साथ कहाँ है? अम्मा कहू ने किडनेप तो ना कर लो ऋतिक को। हमें हाँ अरे जाके तो हम गारंटी ले रहे हैं, जा किडनैप होने वाली पार्टी ना है, जा किडनैप करने वाली पार्टी आएगी। हमें पूरा भरोसा है कि किते आवारागरी कर रहा होगा। अब वो भी बा किसनिया है ना, बाके लौंडे बिरजू के संगे। तो लेट ना करते अम्मा, ऋतिक आएगा। अम्मा हप्पू सिंह जी घर पे हैं? नहीं सर, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जे कौन है ऋतिक के संगे? ऋतिक के प्रिंसिपल है अम्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर लेकिन आप ऐसे पकड़ के कहे लेके आए ऋतिक को? माफ कीजिएगा मिसेस सिंह, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपका ये बेटा ऋतिक इस पर फिल्मों का भूत सवार हो गया है। सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे। बताओ कहाँ बोल रहे थे हम कि जे लौंडा एकदम बिगड़ गया हुआ है, कान खींच अच्छी तरह से बाके। अरे दादी क्यों खामखा कान खिंचवा रही हो? मम्मी आप ही बताओ, क्या फिल्म देखना बुरी बात है? ऋतिक फिल्म देखना बुरी बात ना है, लेकिन पढ़ाई छोड़ के स्कूल टाइम पे फिल्म देखना बहुत ही बुरी बात है। अरे ये नाटक सिर्फ एक दिन का नहीं है मिसेस सिंह, ये हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन फिल्म देखने के लिए स्कूल से बाहर जाता है। क्या क्या बोल रहे सर? हाँ मम्मी मम्मी दर्द हो रहा है। और हमें कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है? संभालिए अपने बच्चे को, वरना स्कूल से तो रोज निकलता है या एक दिन हाथ से भी निकल जाएगा। सर माफ करिएगा, मैं मानता हूँ कि मैं फिल्म देखने गया था, लेकिन आप मैथ के टीचर के साथ थिएटर में क्या कर रहे थे? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? क्या? मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ एकदम। आप क्या मैथ टीचर को मूंगफलियां नहीं खिला रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। सर ऐसा ही है, वो तो इंटरवल में मैंने देख लिया आपको और मैडम जी को वहाँ पे। मैं छुप छुप के आपको देख रहा था, फिर आपने मुझे जैसे ही देखा आप तो मुझ पे फैल गए, मतलब मेरे पे चढ़ गए। ताकि मैं किसी को कुछ ना बताऊं और मैं डर जाऊं। मैं डरने वाले मुझसे नहीं हूँ। बदतमीज बच्चा है। सर से कोई ऐसे बात करते हैं? तुम्हें तमीज नहीं का? तुम्हारे आंधे पापा को तुम्हारे मुझसे बुद्धि सही करवाए। जाको बाहर आनो जानो एकदम बंद कर दे, एक पैसा ना दे जे लौंडे को। अरे ऐसे का घूर रहा हुआ है, मार डालेगा हमें। देख ढंग देख अपने लौंडे के। और चढ़ा सर पे। खुल गया तो उड़ा ही देते। पैनी आओ आओ गुरु आओ आओ, हम तभी से सोच रहे हैं तुम आए नहीं, बड़ा लेट कर लिए। अरे दादा ना ना बना, अरे वर्दी में है यार। अबे ना असल में कहा है कि आ तो गए थे हम जाने से जल्दी, तेरा टाइम लग गो। काय लेट हो गए? वो तो चली गई थी मैया की मंदिर प्रार्थना करने गई थी यार। प्रार्थना करने मैया के मंदिर? तुम तो गुरु एक नंबर का नास्तिक हो। गुंजा की नास्तिक है? अरे कबू नोनो ठैया बच्चन को बाप नास्तिक हो सकते है, बता। नहीं नहीं मतलब ऐसा का हो गया कि मंदिर चले गए?
हम अब लल्ला है ना रहते का हुआ का कर दिया तुम्हारे लौंडे ने चिराग पला दिया हाथ से जा रहा हूँ यार भाई को भगवान सदबुद्धि दे यही प्रार्थना करन गई थी अरे क्या नया कांड कर दिया वो तो बताओ यार तुम कहानी घुमाए पड़े हो कांड कछु ना करू लौंडा तो बढ़ गया है असल में कहा है कि बाकी सर पे फिल्मी भूत सवार हुआ है एक्टर बनने हैं सारू जब देखो एक्टिंग करतु है अब नौबत ऐसी आ गई बहनी कि सारू स्कूल को नाम लेतु है और लेकिन जातु है पिक्चर हॉल में तो सिनेमा हॉल में घुस जातु है 12 से 3 चल रहा है मामला हाँ बात करो खुद ही तो मतलब लौंडा तो डेंजर जोन में चला गया गुरु संभालो नहीं तो हाथ से निकल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा डेंजर जोन मतलब अरे का है कि नहीं तू डेंजर जोन कैसे मतलब अरे मुंबई कहीं भाग गया तो अरे कानपुर में तो ऐसे कितने सारे किस्से होते हैं अपना वो जो फुंगी का लौंडा नहीं है जुगल किशोर उसका किस्सा याद करो हैं क्या असर हुआ उसका लास्ट में असर का क्या असर भाऊ अरे मतलब क्या है कि लौंडा जो है ना जुगल किशोर भाग गया बैग एक बोरा लेके कुछ पैसा वैसा लेके वो भाग गया बम्बई और बम्बई में जैसे ही स्टेशन पे उतरा उतने दिन में पूरा बैग पैसा सब चोरी जाता ही हाँ और वहाँ जो है CST स्टेशन के बाहर जाए के बाएं बाएं रोने लगे एकदम का करे बच्चा तो वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति मिले उसको और बोले तो बच्चे ने पूरा रोते रोते अपनी राम कहानी सुना दी तो उसके बाद उनने बोला कि अरे अरे तो बहुत गलत हो गया ऐसा ही सुनो हम जो है प्रोड्यूसर है हम तुमको एक रोल देते हैं हम फिल्म में तो उसको कहा कि हम आपको क्या कहते हैं बेटर का रोल देते और ये कहकर उस आदमी ने उसको अपने रेस्टोरेंट पे ले गया और बेटर की नौकरी में लगा दिया अब बर्तन मांजे ये सब करे तो जब करवा रहे थे तो समझ में ना इशारे कि तो प्रोड्यूसर ना है अरे वही तो वो जब जब पूछे कि भैया ऐसा है अंकल ये बताइए कि हम जो है शूटिंग कब चलेगी अब कहाँ है कैमरा तो तुरंत जो है CCTV कैमरा दिखा दे होटल वाला रेस्टोरेंट वाला का ये देखो शूटिंग चल रही तुम जी जान से लगा के अपना अभिनय करो है इतनी गधा तो हम ना है सोचो CCTV समझ ना इशारे लेकिन था यार वो बच्चा लेकिन 10 साल तक वेट करते करते सही में जब वो वेटर बन गया उसको समझ में आया कि भैया ये फिल्म जो है 10 साल हो गए रिलीज नहीं होने वाली तब जाके वहां से किसी तरह जो है भगा और कानपुर वापस आया अपने बाप के पास अरे दादा गुरु ऐसा अरे दादा अरे मामा करने से कोई फायदा नहीं है अरे लौंडे के सर से जो है ना फिल्मी भूत उतारो कहीं तुम्हारा लौंडा अगर बम्बई भाग गया ना पैसा वैसा लेके तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा बहुत बड़ा शहर है वहां अभी हमारा लौंडा बच्चा है अब वो स्कूल से फिल्म जा सकते हुए सीधो मुंबई थोड़ी भाग जाएगा ऐसा है गुरु सुनो हम बता रहे हैं आजकल के बच्चों को ना बच्चा समझना ना सबसे बड़ी बेवकूफी है बुद्धि अरी हो जाएगी बेटा आजकल के बच्चे सबके चच्चे हैं ऐसे फुर्र से निकल उड़ेंगे तुम समझ भी नहीं पाओगे समझ लो हम तुमको बता रहे हैं ऋतिक हमारा भी लौंडा जैसा है चाहे जितना भी चिरा दो बच्चा है शुभचिंतक है हम यही लिए बोल रहे हैं गुरु उसके ना पर बांध लो एकदम बेनी वो सब तो ठीक है लेकिन कैसे बांध लें नहीं देखो गुरु नहीं नहीं कैसे बता ना तू हम इतने बार थाने में रहती रज्जू अपने काम में उलझी रहती कंट्रोल कैसे करें ये तो एक्सपीरियंस की बात है ना गुरु हमारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मतलब बिमले से शादी होती जो मान लो लौंडे निकलते अब जुड़े हैं तो एक जो है फिल्मी निर्देशक तो एक जो है एक्टर बनने की कोशिश करे अब वो कैसे हम उस वक्त उसके पैर बांधे ये टेक्निक की बात है वो तभी हम समझ पाएंगे जब हमारे बिमले से शादी हो गई थैंक यू है ना करती हैं कुछ हम तुम पियो पियो अरे अतबीरा भैया बहुत बहुत बधाई तेरी बैंसिया ने पढ़िया दई है हाओ हाओ अगले महीने आके छक के भैंसिया का दूध पियेंगे अच्छा धन्नो नाम रख लियो पढ़िया के अच्छा अच्छा ठीक है राम 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 रहते कहाँ है अम्मा हमें का पता बाकी अम्मा को पतो होगो काई तो मैं ना पता बाकी अम्मा को पतो होगो तो तुम भी तो दादी हो बाकी तो मैं भी पता बहु चाहिए अम्मा हाँ दादी हैंगी पर है तो वो अपनी अम्मा को लाड लो कहीं भी जाते हो घुइया बता के जाते हो हमें तो तुम्हें भी जानने की कोशिश करने चाहिए कि रहते कहाँ जा रहो कहाँ ना जा रहो तुम घर की बड़ी बुजुर्ग हो तो बड़े बुजुर्ग का यही काम रहेगा वो है कि तेरे बच्चन के पीछे भागते दौड़ते रहे बात ही करना बेकार है छोटा तो काय कर रहा है रज्जू हाँ रहते कहाँ है कहाँ है कहाँ है गो रहते कहाँ है बिट्टू के संग खेलन का हो है मुख्य बात ना बताई हो हाँ अम्मा बताए रहे तुम बोलन का मौका तो दे हमें कौन सी बात
अरे वे तुम्हारे सुपुत्र के प्रिंसिपल साहब आए थे, उनने स्कूल टाइम पर ऋतिक को ना पिक्चर देखा था, पकड़ लो सिनेमा हॉल में। क्या बात कर रही तुम? सच कह रही है। मतलब इतनों घर में सारो बड़ो कांड होगा हुआ है और हमें अभी पता चल रहा हुआ है। एक मिनट, तुम्हें ससुर जब वो इतनों बड़ो कांड कर गए हो, तुम बाकी बाद भी लौंडा खेलन जा रहो। इसी वजह से वो लौंडा बिगड़ गयो, क्योंकि तेरी जे लुगाई ने बाको इतनो सर चढ़ा रखो है। नाना अम्मा, तुम हमें एक बात बताओ, हमने कहा कर दो वैसो? नहीं, हमने कहा सर पे चढ़ा रखो है? कब चढ़ा हमने सर पे? तूने ही तो सर पे चढ़ा रखो है। अगर बाके कान ऐठ के रखती ना, तो आज जे दिन देखने को ना मिलतो। ना अम्मा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे बाकाऊ की लड़की भगा के ले गए हुए। अगर जे ही रंग ढंग रहे ना, तो बहु घबरा मत, तेरे जे अरमान भी पूरे कर देगो। हाँ अम्मा, तुम तो जे ही चाहती हो जे ही हो जाए। हम जे चाहते हैं? देख ले हपुआ, तेरी लुगाई कैसे गंदे गंदे इल्जाम हमारे सर पे धर रही आगी। अरे तुम चुप होने को कल होगी जो बताओ। तुम लोगों को सतर कसम से कह रहे, सारो कौन जिम्मेदारी को एहसास नहीं है? लड़ने को बहानो चाहिए बस, बझरिया उठा के आ जाएगी, तुम अपनी बस जबान चल रही है। और तुम ठहर जा, तुम हमें ऋतिक कहाँ है वो बताओ। सारे की आज हमने टांग ना तोड़ी तो दरोगा हप्पू सिंह नाम नहीं है, कहाँ है जो? अरे ये लौंडा अकेले में ऐसे काहे रो रहा हुआ? मीच थिंकिंग दैट सम गर्ल इज गिविंग फ्रॉड टू ऋतिक, दैट इज व्हाई ही इज क्राइंग। मुझे लग रहा है किसी ने इसका दिल विल तोड़ दिया होगा ना, इसलिए रो रहा है वो। जी तुम क्या बात कर रही हो? हाँ जाके तुमने उम्र देखी, कितना छोटो है जाए, कौन धोखा दिया लड़की? अरे इनके दिमाग में और चलता के? अरे दो मिनट चुप हो लो ना यार। ओ लल्ला रे तिक्का हो गो, हमें बता। मेरी दुनिया लुट गई पापा, लुट गई। अरे ओ शांत हो, दुनिया लुट गई मतलब? अरे कैसे लुट गई? हाँ बताएगो कि पिन्नाता रहेगो? दादी अब वो नहीं रहे, वो नहीं रहे। कौन नहीं रहे? तुम किनकी बात बोले? तुम साफ साफ बोलो बेटा, कहाँ भाव का है, तुम रो रहे हो? आराम जल्दी बता बेटा, हमें बड़ी घबराहट हो रही है, कौन नहीं रहा हो? वो आपके सबसे प्यारे थे दादी। आपके आंखों के तारे थे दादी। दादी कहीं अतिवीर मामा की तो बात नहीं कर रहे? मामा हाय राम। अरे हमारे अतिवीर की बात कर रहा हूँ तो वो नहीं रहा। नहीं दादी नहीं, मैं तो दादाजी की बात कर रहा हूँ। जो कैसो आदमी कमाल की बात कर रहा है, डोकर को निपटे मैं जाने कितने साल हो गए, अब जाके मातम मना रहो। अरे अरे व्हाट इज हैपनिंग? पहले ही वाज क्राइंग, नाउ इज लाफिंग। मुझे लग रहा है ऋतिक इज गोइंग मैड। ये दुनिया को पागल बनाने वाली पार्टी से खुद पागल होने वाली पार्टी ना है यो। ऋतिक जी कहां अटक में लगाए रखो है? हां अभी तुम इतना रो रहे थे, हम सबके गुर्दा मुंह में आ गए, तब तुम हंस रहे हो? अरे मम्मी एक्टिंग कर रहा था मैं। बताओ जिन नाच पीटो एक्टिंग कर रहा हुआ तो? लेकिन तू एक्टिंग काय कर रहा हो तो? जैसे आप मुजरिमों को पकड़ते हो, दादी झगड़ा करती है, मम्मी खाना बनाती है, वैसे ही मैं एक्टिंग करता हूँ। देख अबे हम प्यार से समझा रहे, अगर हमारी खोपड़िया घूम गई सारे कसम से कह रहे सारी एक्टिंग गिरी निकाल के धर देंगे। पापा आपको कोई हक नहीं है, एक कलाकार की कला का गला घोटने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। अगर मैं मारा मारी करता तो? मैं हमें कोनो समस्या ना है, हमें नफरत है सारे जा एक्टिंग से। अगर आपको एक्टिंग से नफरत है ना, हाँ? तो बंद करवा दो ये सारे सिनेमा घर, बैन करवा दो सारी की सारी फिल्में, और जेल में डाल दो सारे प्रोड्यूसर्स राइटर्स एक्टर्स सबको। उसके बाद तुम जिस कागज पे कहोगे मेरे भाई, उस पे मैं साइन कर दूंगा मेरे भाई। तेरी भाई? अम्मा
जाने तो हमारे सारे संस्कारों की दीवार तोड़ के दर दई। जिस इंसान के दिल में एक्टिंग के शोले भरे हो वो दुनिया की कोई भी दीवार तोड़ सकता है, क्योंकि मैं वो शहंशाह हूँ जिसके नसीब में ऊपर वाले ने मुकद्दर का सिकंदर लिखा है। आपने शोले कितनी बार देखी है? देखो आपको भी फिल्में देखने का शौक है। ऐसा है बेटा, अब हमारी कपड़िया घूम रही है, हैं? अबे तूने चबड़ चबड़ जा अपनी एक्टिंग की लट जो लगा रखी है बंद ना करी ना, तो हमें तेरे लाने कौन ठोस कदम उठाने पड़ जाएगो। क्या क्या ठोस कदम उठाएंगे आप जरा बताइए तो। हाँ तला कर, सारे हम तो को हॉस्टल में छोड़ देंगे। हॉस्टल? हाँ। नहीं बोल। नहीं हॉस्टल नहीं, हॉस्टल नहीं, नहीं कहे तुम्हारी सिट्टी पिट्टी घुमाए गई अब। हाँ सारे झूठ नहीं बोल रहे, चद्दर में लपेट के बेहोश करके लपेट के सारे ऐसे फेंके आएंगे हॉस्टल में, बाहर की दुनिया भूल जाएगो। नहीं पापा। आप कर ले और कर ले एक्टिंग। नहीं पापा। आप कर नहीं, जोका, नहीं, जोका। पापा प्लीज मैं गलती से एक्टिंग नहीं करूंगा पापा प्लीज। तो लौंडा हमें शुरू से पसंद ना है जो सारे अबे एक्टिंग तो ना कर रहा हूं। नहीं ये जेन्युइन है। अच्छा खड़े कान पकड़ बोल, एक्टिंग कभी ना करूंगो। जिंदगी में एक्टिंग नहीं करूंगा। कमरा पकड़, किताब उठा ली। जिंदगी में एक्टिंग नहीं करूंगा। चल सीधो। अरे चलो। कैट यू नो नाउ नोबडी नॉट अ सिंगल बॉडी टेलिंग अस कि वी आर डूइंग असली थिंग्स हियर ओनली। यस कमलेश, यू नो द होल वर्ल्ड इज वेरी मच इडियट, दे थिंकिंग दैट अ गर्ल एंड अ बॉय they never becoming friendship. Yes, yes, same things me watching a film. What? A hero telling heroine ki a girl, a boy never can friendship. Tum is dialogue to hindi mein bol lo. Hero heroine ko bolta ek ladka ek ladki kabhi dost nahi ho sakte. Goiya watching Benny uncle and mother, they're also becoming friendship. No. Benny uncle doing friendship with Rajesh didi because Benny uncle want marriage with the bimless didi of your mausi. Good point, Kamlesh. But we too, we are also friends, na? Oh, yeah. What happening? No, nothing. Anyway, me telling you right now. Now nobody jumping dirty water on ours. Kya bol gaye? Ab koi hamare upar keechad nahi uchhal sakta. Main uchhalunga. You brother? Anyway, who are you kiddos, brother? बस, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप कमलेश भैया हो और ये किड दी। But how you knowing? आपकी शुद्ध अंग्रेजी। Oh no, cat. At least we did not talk in अंग्रेजी right now. अब कोई फायदा नहीं है कमलेश भैया। चलो, अब मैं घर पे जाके बता ही देता हूँ कि आप लोग भेज बदल के मिल रहे हो। ए नो यू सिट, आर यू माय वेरी स्मॉल किड माय ब्रदर, नॉट टेलिंग राइट नाउ दिस टाइप ऑफ थिंग, मी गिविंग यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। अरे कमलेश मेरा भाई है, चॉकलेट से नहीं मानेगा। ऋतिक मी इज गिविंग यू रिचार्ज, मी गिविंग यू मनी फॉर रिचार्ज, ओके? तो तेरे को चाहिए क्या, बोल देना खुद से। आपको मेरा एक काम करना होगा, अगर आपको इस राज को राज ही रहने देना है तो हम करेंगे एवरीथिंग, सब काम करेंगे, तुम्हारा जो भी काम है बताओ हम अभी कर देंगे, करेंगे हम बिल्कुल करेंगे पक्का। बहुत बढ़िया। हाँ राजू। हाँ 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 जो बताओ ऋतिक की अब कैसी हालचाल है, शांत हो गो राजू? काहे ना होगो शांत, हमने रानी को दवाई ऐसी दे दी ना, सारू हॉस्टल को नाम सुन के ना सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाकी तुम काम निपटाओ, लेकिन एक बात याद रखियो, जो सारू बहुत बड़ी चिरांद है, अगर जो फिर से ड्रामो करे ना रज्जू तो तुम्हें कछू न करने हैं, बीच बीच में दो चार बार हॉस्टल 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 की गुट्टी पिलाई जो सारू फिर से चुप हो जाएगो। आओ रख रहे हैं, अब रख रहे हैं, बीच में बताइयो कछू है बात तो। ओके ओके क्या बात है सर जी, बड़े खुश लग रहे हैं। लौंडा लाइन पे आ गया क्या?
मकवाना लाइन पे काहे ना आएगो नहीं बताओ काहे ना आएगो हमने दवाई ऐसी दी ना सारे के हॉस्टल को नाम सुन के चुप हो गओ सन्नाटे में आ गओ बिल्कुल अरे वाह साहब भाग गया फिर से लौंडा घर छोड़ के भाग गया लड़का फिर से भाग गओ कैसे भाग गओ कैसे भाग गया भाई उसे रेलवे स्टेशन से ले जा रहे थे घर पता है उसने क्या किया रास्ते में क्या करूं रास्ते में उसने बेहोश होने की एक्टिंग की तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में पता है उसने क्या किया क्या करूं पुलिस का ड्रेस बदल कर हॉस्पिटल का पहन कर वहां से रफू चक्कर हो गया फिर से भाग गया हाँ जाते जाते उसने वो चिट्ठी छोड़ के गया है एक मिनट हाँ चिट्ठी कापी लेकर हुआ लड़का सर जी क्या लिखा है इसमें तुम पढ़ लो नाना तुम पढ़ लो ना क्या लिखोगे तुम्हें ज्यादा चिंता है ससुर तो आपके सुपुत्र लिखते हैं सर जी पापा तुम बहुत बड़े जलील आदमी हो